सासू माँ बदल गई। कहानी उस घर की है जहाँ बहू और बेटी को एक माना जाता था, लेकिन फिर। अरे शिखा बेटा, तू रसोई में क्यों घुसी रहती है? जा, रोटी मैं बना लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, बस सारा खाना बन ही गया है। श्वेता को बोल देती हूँ, वो खाना लगा देगी सबका। सॉरी भाभी, मेरे पास वक्त नहीं है। माँ, मुझे पैसे देना, पार्लर जाना है। हाँ हाँ, चली जाना, भाभी को भी ले जाना। वो भी जाने को बोल रही थी पार्लर, पर पहले ना मदद कर दे उसके खाना लगाने में। देख माँ, वो बहू है, उसे बहू रहने देना, इतना सर पर मत चढ़ा भाभी को। श्वेता, ज्यादा मत बोला कर, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, जा जाकर काम कर। ननद को माँ का भाभी से इस तरह प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार किसी न किसी तरह माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन कोई फायदा ना होता। एक रोज, अरे बेटे किशन, जा बहू को कहीं घुमा कर ला, सारा दिन घर में काम करती रहती है। हाँ हाँ माँ, हम लोग जा रहे हैं ना गोवा। अच्छा जी, भाभी ने तो हमें बताया भी नहीं, वैसे तो सारी पंचायत करती है, ये गोवा वाली बात क्यों छुपा गई हमसे? अरे क्योंकि उसे खुद नहीं पता था बहन, मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी तो मैंने बुक कर दिया। हाँ शिखा, पैकिंग कर ले, संडे हम जा रहे हैं गोवा। दोपहर में शिखा पैकिंग कर रही थी कि सास आ जाती है। ये क्या बहू, साड़ियाँ? अरे गोवा जा रही है घूमने या फिर शादी में मायके हैं? माँ जी, ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या रखूं कपड़े में। अरे तेरी और श्वेता की साइज तो एक ही है, उसके कुछ मॉडर्न कपड़े ले ले, आकर लौटा देना। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। शिखा श्वेता के पास जाती है और उससे कपड़े मांगती है। ना जी ना, मैं अपने कपड़े ना दूं, वैसे भी फैल जाएंगे मेरे कपड़े, बहुत महंगे वाले हैं। शिखा मुंह लटकाकर कमरे में आ जाती है तो सास कहती है, चल तैयार हो जा, तुझे मैं शॉपिंग करा कर लाती हूँ गोवा की। बस फिर क्या था, सास बहू निकल जाते हैं मार्केट और एक से बढ़कर एक ड्रेस खरीद कर घर आते हैं। पहले बता देती कि नए कपड़े दिलाने वाली है भाभी को, तो मैं अपने ही दे देती ना भाभी को, मुझे दिला देती नए कपड़े। देख श्वेता, परिवार का मतलब सबके साथ रहना होता है, ना कि सिर्फ अपना सोचना। वैसे भी तुझे अच्छे संस्कार सीखने चाहिए, और रही बात कपड़ों की तो शिखा, आज से घर पर भी तू मॉडर्न कपड़े ही पहनेगी, कोई जरूरत नहीं है ये साड़ी वाड़ी लपेटने की। अब क्या था, घर पर श्वेता और शिखा एक जैसे रहते। एक बार पड़ोसन आती है। अरे बेटा, अपनी माँ को तो बुलाना, जरा बात करनी है। शिखा सास को बताती है और रसोई में चली जाती है। ये आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए एक रिश्ता है, कहो तो बता दूं। ये बेटी नहीं बहू है, घर में सब एक जैसे ही रहते हैं। वैसे मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, कोई रिश्ता हो तो जरूर बताना। पड़ोसन रिश्ता लेकर उन लोगों के घर आती है, तब श्वेता की होने वाली सास कहती है,